आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी प्रयागराज की अलौकिक दृश्य जो धर्मनगरी प्रयागराज की है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। तस्वीरें हैं ये प्रयागराज के, जहाँ पर आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं कि ये प्रयागराज संगम नगरी की घाटों पर क्या तस्वीरें हैं। फिलहाल जब यहाँ पर कुंभ का समय होता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। कहा जाता है ये संगम नगरी मोक्षदायिनी नदी है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियों का मिलाप होता है जो काफ़ी लोगों को मनमोहक होता है। वहीं ये विदेशी पक्षी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। जब भी यहाँ पर गर्मियों का सीजन शुरू होता है, साइबेरिया से पक्षी चलकर भारत के प्रयागराज पर पहुँचती हैं, जहाँ लोगों की आस्था और भी बढ़ जाती है। इस समय मैं मौजूद हूँ एक नाव पे और आज हम यहाँ संगम नगरी प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वर्तमान में अब प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ कुंभ भी लगता है, अभी कुंभ की समय तो नहीं है, लेकिन पर्यटक यहाँ आते रहे हैं और ज्यादातर लोगों को लुभाने वाली ये विदेशी पक्षी हैं जो साइबेरिया से आकर आपके भारत की धरती इस प्रयागराज संगम पे इन्हें देखने का एक अलौकिक अपना ही अंदाज होता है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनके लिए तमाम प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है, सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह संगम है, फिलहाल हम लोग यमुना के पास हैं, कुछ ही देर के बाद आपको गंगा में भी जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारा है वाकई में देखने लायक है। वहीं आपको बता दें कि भारत का एक पर्यटन स्थल भी है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से कानून भी तय होते हैं, हाईकोर्ट से लेकर और शिक्षा विभाग भी उत्तर प्रदेश की यही है। सारे चीजें जो है यही है और ये प्रयागराज एक अनोखा, अपने आप में एक अनूठा है। कहा जाता है कि लोग तीर्थ करते हैं बनारस, प्रयागराज और अयोध्या, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख वो धामे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, हिंदू सब के लोग होते हैं वो जाते हैं, यहाँ तक देश विदेश के भी पर्यटक इन सभ्यता को देखने आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो भारत में आके इस सभ्यता को, हिंदू धर्म को अपना ही लेते हैं। तो आज हम आपको ये जो संगम नगरी है प्रयागराज है, यहाँ की कुछ अनोखी तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि आप भी देखते रह जाएं, क्योंकि ये अनोखी तस्वीरें इसलिए हैं कि यहाँ आने के लिए लोग कई बार सोचते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। आज हम अपने माध्यम से, इस बी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ की किस तरह के हैं और यहाँ आने के लिए क्या सुविधाएं हैं, यहाँ देखने के लिए क्या सुविधाएं हैं, तमाम जो खर्च लगती हैं कितने खर्च हैं। अब बात किया जाए तो यहाँ पर जो नाव चलती हैं, जो यहाँ जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये तय किया गया है कि यहाँ पर पर्सन 60 रुपया देना है और कई बार ऐसे देखा जाता है कि लोग जानकारी के अभाव में ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि यहाँ पर किसी तरह की कोई, अगर आपकी जानकारी का अभाव ना हो तो आप किसी जल पुलिस या किसी नाव से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या रेट चलती है, कैसे क्या सुविधा है। ज़्यादातर लोग यहाँ संगम नगरी में स्नान करने आते हैं, अपने दुख दर्द को समाप्त करने आते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से आने वाले पर्यटकों की क्या कहना है और लोग यहाँ आने के बाद क्या सोचते हैं, लोगों की पूरा मान्यता क्या है। बस संगम नगरी प्रयागराज यहाँ एक आस्था का केंद्र के साथ साथ रोजगार का बड़ा जरिया है। यहाँ पर कम से कम 1000 नाविक हैं जिनकी रोजी रोटी इन संगम से चलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी की वजह से इनका रोजी रोटी चलता है। यहाँ तक कि यहाँ जो भी दुकानदार लगाए हैं अपना दुकान, उनका भी रोजी रोटी इसी नदी से चलता है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये भारत का कितना बड़ा एक उद्योग के तौर पर ही है, क्योंकि यहाँ पर जो नाविक है उनकी रोजी रोटी चलती है, दुकान चलाने वालों की, तमाम लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।